जिले के धर्म गुरुओं की बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सभी धर्म गुरुओं से सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन तथा जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के पालन की भी अपील की। डीएम ने कहा कि किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं होगा, हमें यही संदेश देना है कि हम भारत के नागरिक हैं और इस समय अपने देश को इस महामारी से बचाने के लिए एकजुट हैं। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के अलावा एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित सभी धर्म गुरु और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, लॉकडाउन के बारे में सुन रहे हैं। लॉकडाउन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में संक्रमण ना बढ़े, मगर ये संक्रमण धीरे धीरे लोगों तक आना है, वो हम चाहते हैं कि उस गति से आए और उस फॉर्म में आए ताकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज ओवरवेल्म ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक साथ हमारे हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा दबाव है। हम धीरे धीरे उस दबाव को झेलते हुए हम अपने पूरे पॉपुलेशन को उसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसीलिए हम ये काम फेज वाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस मीटिंग को बुलाने का तात्पर्य यह था कि आपके माध्यम से ये मैसेज हम सभी लोगों में भेज भी सकें। जैसे हमारी फोर्स है वो एक डिसिप्लिन में काम करती है, जिस दिन हम कहते हैं कि हम 40 आदमी यहाँ जाएंगे, इतनी दूरी पे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, जो हमें सिखाया जाता है ड्रिल में, हमें परेड में सिखाया जाता है कि इतनी दूरी बना के आप खड़े होंगे, वही चीज़ अब हमें उसी में पॉपुलेशन का कोऑपरेशन चाहिए, सभी लोगों का, समाज का, सोसाइटी का कोऑपरेशन चाहिए। इस कोऑपरेशन को अगर हम बताते हैं तो वो एज ऑर्डर लेते हैं, एज ए नियम लेते हैं, अगर आपके माध्यम से जाएगा तो उन्हें ये समझने में आसानी होगी कि वो एक सामाजिक मैसेज जो इस वक्त हम सभी को मिलकर डिलीवर करना है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सामाजिक मैसेज तब तक पहुंच सके कि हम अगर उस संक्रमण के चेन को नहीं तोड़ेंगे, हो सकता है कि एक नवयुवक जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसे दिक्कत ना, अगर घर में अगर कोई बुरा है 60 साल से ऊपर का है, किसी को एस्मा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम किडनी की प्रॉब्लम, अगर उन तक ये इन्फेक्शन पहुँचता है तो उस इन्फेक्शन के कारण उनके लिए बड़ा प्राणघातक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि हम वेंटिलेटर के लेने के बाद उन्हें ना बचा नहीं यूज करें। हाँ, सैनिटाइजर लिए दो बूंद आपने ऐसे रगड़ लिया, इधर के सर्फेस पे तो वायरस लगा ही, वो तो गया नहीं। डिसिप्लिन ये है कि आप 2 मिनट फायदे से हाथ धो, उससे आप ज़्यादा वायरस मार देंगे राधा कर 4 बूंद सैनिटाइजर रगड़ लिया। डबल प्रोटेक्शन हमने कर दी, उस लिए सैनिटाइजर होता है, ये नहीं कि सैनिटाइजर से वायरस मरे जा रहे हैं और हम हाथ धो ही नहीं रहे, नहा ही नहीं रहे, कपड़े ही नहीं साफ कर रहे। सीएम साहब की बात करनी चाहते हैं अभी सर, उसने लिख के आया ना कभी कि दोनों लोगों से दोनों ग्रुप से अलग अलग डीसी होगी, अब टाइम हो गया सर, आप लोग अपना परिचय दे दें सर। गोरखपुर डायसिस भी बड़ा है, मैक्सिमम या आरसी होंगे शायद, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा है, कुछ मार्गदर्शन कहना चाहे सर सभी लोगों को। धर्म गुरु लोग के आपस में एक मीटिंग हुई थी, खासतौर पे सीएम साहब ने बताया ताकि इन लोग का अपील काफ़ी ज़्यादा है, गहराई तक इन लोग अपील कर सकते हैं। इस पर जो प्रमुख धर्म है उन्हीं लोग आए थे, जो अल्पसंख्यक धर्म भी है, बहुसंख्यक धर्म लोग भी थे, उन लोगों का कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी था। वैसे आप 10 तारीख को गुड फ्राइडे पड़ रहा था, गिरिजाघर में हमेशा जो इकट्ठा होता है भीड़, उसी के लिए उनने सुझाव मांग रहे थे। हम लोग बताए थे ऑनलाइन सेवा के जरिए से भी वो प्रार्थना कर सकते हैं, यानी जो कोई चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जो पुजारी करेगा, वो आजकल का जो टेक्नोलॉजी जमाना है, जो मोबाइल के जरिए से भी वो वहाँ का जो भगवान का प्रार्थना करने चाहते तो कर सकते हैं। यथासंभव हम लोग ये बताए थे सोशल डिस्टेंसिंग और अपने
बार बार हाथ धोना है और दूरी बनाए रखना है, उसी का उन्हीं के माध्यम से अपील कराने के लिए बताया। और बहुत सारे अंधविश्वास भी है इन लोग का, सोशल मीडिया के जरिए से किसी के माध्यम से जनता का आपस में, यदि मान लीजिए हल्दी पानी पियेंगे तो सही हो जाएगा, और कहीं अंडा मुर्गी नहीं खाना है, कोई चीज़ खाना है कोई चीज़ नहीं खाना, इसी टाइप का बहुत अंधविश्वास है। उसी की वजह क्या है, मिसगाइड हो जा रहे हैं उन लोग। मान लीजिए कुछ लोग जो कोई चीज़ मान लीजिए भगवान के सामने रख करके पीने के बाद उनका महसूस हो रहा है तो हमारे सारे चीज कुछ नहीं होगा, ऐसे फिर बाहर निकलेंगे तो फिर वो खुद का नहीं कतरा है और जनता का भी कतरा है, देश को भी कतरा है। हम लोग का ये चीज़ को भी अपील किए हैं ताकि अंधविश्वास का जो मैसेज है उसको भरोसा ना करें, और आप ही का जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो भी मिलता है सही जगह से। वैसे आज CMO साहब ने सारे समझाया ये बीमारी के बारे में, उसका लक्षण के बारे में, उसे कैसे दूरी बनाए रखना है, कैसे बचाने के बारे में, वो तो सारे उन लोग काफ़ी पॉजिटिवली उन लोग रिस्पांस मिला है। और हम लोग ये भी अपील किए थे ताकि किसी का भेदभाव नहीं होगा, धार्मिक रूप से मजहब के रूप से किसी के रूप से किसी का भेदभाव नहीं होगा, वो भी हम एश्योर किए हैं। वो सभी लोग अब काफ़ी कोऑपरेट किए थे।